ये भाई को क्या हो गया? लगता है शर्मा गए।
ऐसा सुनेंगे तो शर्माएंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। कहो भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। ओहो ये छोटा बिना बहुत ही नॉटी हो गया है। एक मिनट ये फोन तो मेरा नहीं है। हाँ मेरा फोन कहाँ चला गया? ओह गॉड शायद इसे एक्सचेंज हो गया। अब मैं क्या करूँ? फिर जाको क्लिक का फोन ओपन करता है तो वो सामने किसी की फोटो देखकर वो शॉक हो जाता है। एक मिनट ये तो वही लड़की है जो मुझे वहाँ पर मिली थी जहाँ पर मैं गन की स्मगलिंग कर रहा था। लेकिन ये वहाँ पर क्या कर रही थी और ये टेकी क्या लगती है? एक मिनट नीचे कुछ लिखा है बिग सिस्टर यानी ये टेकी बड़ी बहन है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? टेकी बहुत ही सीधी है। जीसू दीदी का है, मुझे दीदी से बात करनी है। अरे ते मैम आप यहाँ पर? वो जिन मैम तो यहाँ नहीं है, वो अभी इसी वक्त कहीं निकली है। मुझे नहीं पता है वो कहाँ गई है, मुझे नहीं पता कर गई। क्या ओके जब जिन दीदी आएंगी ना तो मैम से बात करूंगी और बता देना कि मैम से बात करने को कह रही थी। ओके ठीक है मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद ते अपने रूम में चली जाती है। अदर साइड जिन गोदाम में जाती है बिकॉज उसका फोन वहीं पर रह गया था तो वो वहाँ पर आलम को ना देख कर बहुत ही शॉक हो जाती है। ये कहाँ चला गया? ओह गॉड भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूं? काई भी तो मर गया। अब मैं क्या करूं? किससे पूछूं? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो भाग जाएगा, इसलिए मैंने गार्ड्स नहीं रखे थे। ओह गॉड मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? जिन जाने लगती है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहाँ से चली जाती है। लिसा मैं जो कहा था तुम लेकर आई हो? हाँ मैम मैं लेकर आई हूँ। आपने उस कमिश्नर की परमिशन निकलवाने को कहा था, मैं लेकर आई हूँ। आपको तो मैं पढ़ के सुना दूँ? हाँ क्यों नहीं तुम्हें पढ़ के सुना दो कि क्या है। मैम उसका फुल नेम है किम नामजिन और उसका शॉर्ट फॉर्म है आरएम और उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है किम जिमिन और वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? ये तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। ओके मैं दूसरा बताती हूँ। उसका एक पुराना दोस्त भी था। क्या नाम था उसका? हाँ जॉन जंगबुक जो आजकल में बहुत ही बड़ा माफिया माना जाता है। क्यों मैम क्या कहा तुमने? जॉन जंगबुक। ओह तो ये वही है जिसकी वजह से अभी मैं दुनिया की सबसे बड़ी माफिया नहीं बन पाई हूँ क्योंकि नंबर वन पे वही है। खैर छोड़ो वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक पुलिस और एक बहुत ही बड़ा माफिया ये दोनों में फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है। मैम ये पुरानी बातें हैं। वैसे भी अब वो दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है और दुश्मन बन चुके हैं। पता नहीं क्यों कोई रीजन होगा जिसकी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से दुश्मनी कर ली। वैसे इसे हमने क्या? मैंने तो सारी बात बता दी। अब मैं चलती हूँ। बाय मैम। एक मिनट कहाँ भागी जा रही हो? जीसू को बुलाओ और मेरे साथ चलो, मुझे जियोन जंगको के घर जाना है उससे बात करने के लिए। क्या कहा? जियोन जंगको के घर? मैम आप किसी और को ले लीजिए ना, मैं शेर की गुफा में हाथ नहीं डालने वाली, वो बहुत ही खतरनाक है। अपनी बकवास बंद करो और तुम लोगों को मेरे साथ ही जाना है। और वैसे भी अगर वो शेर है तो मैं शेर नहीं हूँ। ओके मैम जैसा आप कहो ठीक है, मैं जीसू को लेकर आती हूँ। फिर इसके बाद लिसा वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी देर बाद जीसू को भी लेकर आती है और जिन और जीसू लिसा ये तीनों जियोन जंगको के घर निकल जाते हैं। जिमिन नीचे आ जाती है तो वो देखती है कि आरएम अपने पूरे यूनिफॉर्म में रेडी।
my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me.